दांतों का हिलना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके दांत हिल रहे होंगे। किसी के दांत थोड़े से कम हिलते हैं तो किसी के थोड़े ज्यादा हिलते हैं, पर अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत थोड़े थोड़े हिल जरूर रहे होते हैं। तो मेरा ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है जिनके दांत थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये जो दांत हिल रहे होते हैं, इनके अलग अलग कारण होते हैं। अलग अलग कारणों की वजह से ये दांत हिलते हैं आपके। कई बार क्या होता है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पायरिया लग जाता है, या पस पड़ जाता है, या सूजन आ जाती है। उसकी वजह से आपके दांत जो है धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो मसूड़े और हड्डी है वो कमजोर होती चली जाती है। इसकी वजह से भी धीरे धीरे दांत जो है उम्र के साथ हिलने लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही हार्ड चीज कोई बाइट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा दांत हिलना शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं दो बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपचार जिसको यूज करके आपके दांत हिलना बंद हो जाएंगे। नंबर 1, नमक और सरसों का तेल। नमक और सरसों का तेल किसी के भी घर में आसानी से मिल जाता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच नमक लेना है सिंपल वाला, फिर उसके अंदर आपको इतना सरसों का तेल डालना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए फाइन। फिर आपको क्या करना है, इस पेस्ट को उंगली पर लेकर के अपने ऊपर के जबड़े के अंदर बाहर सारे मसूड़ों पर इस तरह से, ये ऊपर के जबड़े हैं, अंदर बाहर सभी मसूड़ों पर लगा दीजिए, नीचे के भी अंदर बाहर मसूड़ों पर लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं, हल्के हाथों से कुछ इस तरह से मसाज करनी है ऊपर के दांतों को, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, यानी कि मसूड़ों को दांतों से जोड़ना है और नीचे के जो मसूड़े हैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसूड़ों को दांतों से जोड़ना है। और फिर इसको लगा करके आपको छोड़ देना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के बाद आप सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि नमक और सरसों के तेल के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो उससे क्या होगा कि आपके मसूड़ों की सूजन और इन्फेक्शन दोनों ही खत्म होने लग जाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके जो ये दांत हिल रहे हैं वो हिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मसूड़े अपने जो दांत हैं उस पे अपनी पकड़ वापस बना लेंगे। और फिर जो धीरे धीरे आप हिलना आपको महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो दांतों का हिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 2, अमरूद की पत्तियां। अमरूद की पत्तियां हिलते हुए दांतों को फिर से ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और ये दांत के दर्द में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो अमरूद की पत्तियां तो इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियां लेनी है, उसको आपको थोड़ी कुछ एक सेकंड के लिए आपको बॉईल करना है। अब इन पत्तियों को पीस करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट के अंदर आधा चम्मच आप नमक डालिए और आधा चम्मच आपको ऑर्गेनिक हल्दी मिक्स करनी है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाइए। अब इस पेस्ट को आपको क्या करना है, अपने मसूड़ों पर ऊपर के अंदर बाहर के मसूड़े और नीचे के अंदर बाहर के मसूड़े सभी पे लगा के मसाज करनी है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, अपने हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है, यूं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर के दांतों में और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर की तरफ, यूं इस तरीके से, यानी कि मसूड़ों को दांतों से जोड़ना है। इस पेस्ट को लगा करके आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये दोनों ही होम रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही चमत्कारिक हैं। इन दोनों में से कोई भी होम रेमेडी को आप यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो मसूड़े हैं वो बहुत ही मजबूत बनेंगे और जो दांत आपके हिल रहे हैं थोड़े थोड़े वो हिलना बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी भी होम रेमेडी को आप यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन दोनों में से किस होम रेमेडी से सबसे ज्यादा फायदा मिला। तो आई होप मेरे ये आज के दो बताई हुई इफेक्टिव होम रेमेडीज आपको दांतों के हिलने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, आपके दांतों का हिलना रोक देंगी अगर थोड़े थोड़े हिल रहे हैं तो, और बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर देंगी। तो
मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिले और वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।